अंतर को कब्जा करता हूँ, प्रथम पंक्ति जहाँ है वही रहेगी और बाकी सबसे मेरा अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि जो बैठे बैठे शरीर ध्रुवो मृत्यु, यह अटल सत्य है। जीवन तो सबको जीना होता है, जीव जंतु यह लीला पूरी करके मरण होना यह तो प्रकृति का अटल सत्य है, परंतु जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, केवल जीवन किस प्रकार से दिया जाता है इसका ही नहीं, तो हम कई बार संघ की शाखाओं में कहते हैं कि नहीं हम तो संघ में आए पर संघ क्या हमारे में आया कि नहीं आया। और माननीय गुप्ता जी का जीवन ही संघमय था। कई बार लोग पूछते हैं कि संघ को तो हम ठीक तरह से नहीं जानते, पर हमारे भी कई कार्यकर्ता का कि यदि हमारे कुकरा जी गुप्ता का जीवन आप देख लो तो संघ कैसा है अपने आप बता देते हैं। मेरा तो पिछले 56 कि उनकी राष्ट्रीय महाविद्यालय उस समय वो नाम था, इनका जो कॉलेज था उसमें मैं भी पढ़ा हूँ। वैसे उम्र में तुम्हारे 9 वर्ष का ही फर्क है,
पर मैं भी पढ़ा हूँ। पहला दिन मेरा जो 1963 को संघ की शाखा का था, जुलाई मास का निर्माण विभाग में, उस समय ओवरसीयर की पोस्ट होती थी, वहां से स्वैच्छिक निवृत्ति लेकर के प्रचार के लिए, और आदरणीय पुखरा जी का वह गीत हर्ष तुम भले पधारो जी, मुझे तो पता नहीं वो मन में लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उस दिन से लगातार उनके संपर्क में रहा, और उनके संपर्क में रहने से जैसे पारस के संपर्क में आने से लोहा भी बनता है, कुंदन बनता है, तो प्रयास ये किया कि जैन यात्रा की यदि बात करें तो मैं वो 21 महीने तक लगातार रहे जेल में, और मैं उनके साथ में 16 महीने रहा। नारायण जी कथे भी यहाँ पर है, वो भी ऐसे पहले दिन से चले गए थे। 4 जुलाई 1975 संघ के एक कार्यकर्ता जोधपुर से यहाँ आए, मैं गार्डन था उस समय, संघ गार्डन था, अपने घर पास गए था, और वहां से आया कि भाई मुझे पुखरा जी के यहाँ गोविंद कहीं आगे पीछे होता हूँ, तो हमने ये व्यवस्था भी कर दी। दिन में जैसे गोविंद राम जी तो कुछ दिन पहले संघ शिक्षा वर्ग पूरा होता था, गोविंद राम जी तो संघ शिक्षा वर्ग से आए थे, वो विद्यार्थी होने वाला, और पुखरा जी बोल रहा ना होगा, मैं यहाँ से निकला, पुखरा जी गया, पुखरा जी पता, पुखरा जी वहाँ से निकल गए, और मैं जैसे ही आगे जाकर गोविंद राम जी के दर्शन में